राजस्थान के जोधपुर के बासनी में एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि करीब एक दर्जन मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। इनमें से 8 की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है। मलबे के नीचे दबे मजदूरों को ढूंढा जा रहा है। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया। जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। मलबे में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए चारों तरफ लाइट की विशेष व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने संभागायुक्त समित शर्मा को मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मृतकों के परिजनों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 40,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। आर्थिक सहायता और बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। बताते चले कि फैक्ट्री पर मेटलिटिक छत डाली जा रही थी, जिसमें लापरवाही बरती गई। इसके लिए क्रेन का उपयोग हो रहा था, इसीलिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है। जेसीबी मशीन से फैक्ट्री का गिरा हुआ मलबा हटाया जा रहा है। चारों तरफ लाइट की विशेष व्यवस्था की गई ताकि मलबे में फंसे मजदूरों को निकाला जा सके। हालांकि अब किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं की जा रही। इस दुर्घटना में मरने वालों में 5 मजदूर बाड़मेर से यहां आकर मजदूरी कर रहे थे, जबकि 2 जने बांसवाड़ा से यहां आए थे। वहीं एक मजदूर जोधपुर का था। इनमें बाड़मेर के मालाराम, जोसाराम, राजूराम, हरखाराम व रेवत राम थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।